नमस्कार, मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं अंशु, सर्टिफाइड योग शिक्षक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशीष जी गुरु जी को प्रणाम करता हूं, जिनके प्रयासों के कारण आज मैं यहां आ पाया और आप सभी को आज का यह वीडियो दे पा रहा हूं। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और हमें कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको और किस आसन पर ये वीडियो चाहिए। आज हम देखेंगे कि पद्मासन किस तरह से लगाया जाता है या पद्मासन की पहुंचने के लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होनी चाहिए। पहले हम देख लेते हैं कि पद्मासन क्या होता है। इस तरह से देखिए, एक बैठने की स्थिति है पद्मासन, ध्यान में बैठने की एक बहुत उत्तम स्थिति है पद्मासन। इस तरह से पद्मासन में बैठा जाता है। लेकिन हाँ, किनको नहीं बैठना है इसका ध्यान रखें, जिन्हें घुटनों में दर्द है और कमर में तकलीफ रहती है उन्हें पद्मासन में बैठने का ट्राय नहीं करना। अब जिन साधकों को ध्यान करते वक्त पद्मासन में बैठना है तो और पद्मासन नहीं लगता है, तो उसके लिए क्या क्या तरीके होने चाहिए, किस तरह के स्टेप्स हम फॉलो करें जिससे हमारा पद्मासन लगने लग जाए, वो आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा सा वार्म अप अपने आप को जरूर करके रखिएगा जिससे शरीर गर्म रहे और आप करें प्रयास तो आपको किसी भी तरह का कोई जर्क, कोई मसल कुलर खिंचाव वगैरह नहीं हो। तो सबसे पहले बैठ करके हम ताड़ासन कर लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं अपने आप को। हाँ, हाथों को धीरे से नीचे ले आए। अब धीरे से पैरों को सीधा करें और इस तरह से थोड़ा थोड़ा अपने पैरों को खोलने की कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा खोलने की कोशिश करें। इसके बाद धीरे से दोनों हाथ उठाएं, आराम से नीचे की तरफ उठाएं, फिर धीरे से दोनों हाथ उठाएं, फिर धीरे से नीचे की तरफ आए, फिर धीरे से दोनों हाथ उठाएं, धीरे से नीचे की तरफ आए, फिर उठाएं हाथ और धीरे से नीचे की तरफ आए। इसके बाद दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए धीरे से नीचे की तरफ जाए, फिर दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए धीरे से नीचे की तरफ जाए। इससे क्या होगा, आपके ये जो इनर थाई मसल्स है थोड़ा थोड़ा खुलने लग जाएगी। तो आप जब पद्मासन लगाने की कोशिश करेंगे तो लंबे समय तक स्थिरता आ पाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा प्रयास हम करेंगे माउंटेन पोज या पर्वतासन का। इस तरह से आराम से आएंगे पर्वतासन के अंदर। अब कोशिश करनी है कि हमारी एड़ियां शुरुआत में उठी हुई हो, घुटने पूरे सीधे हो, पीछे की तरफ धक्का देना और फिर एड़ियों को जमीन की तरफ टिकाना है और कंधे से अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा खींचेंगे। तो ये काम आपकी थाई, हैमस्ट्रिंग और काम तीनों में अच्छा सा खिंचाव आएगा। आपके हिप ऊपर की तरफ खींचेंगे, हिप जॉइंट्स खुलने की कोशिश करिए। तो इस तरह से खींचना है, थोड़ा 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 खींचते जाए, खींचते जाए, थोड़ा खिंचाव आने दे और जब थक जाए तो आराम से नीचे की तरफ आ जाए। एक बार शशांकासन का अभ्यास करें। तो शशांकासन के बाद अब हम आ रहे हैं कि अगला अभ्यास हमें क्या करना है। तो हमें थोड़ा सा पैरों का स्ट्रेच और करना है, जितने हमारे हिप की स्टिफनेस खुलेगी, जितने हमारे घुटने का थाई हैमस्ट्रिंग खुला हुआ रहेगा, उतना अच्छे से हमारा पद्मासन लगेगा, उतनी ज्यादा देर हम बैठ पाएंगे। तो देखिए, इस तरह से अपने पैर को पकड़ना है, यहां से एड़ी को पकड़ा, यहां से ऐसे धक्का देना है, झूला झुलाना, आराम आराम से झूला झुलाना है। अब देखिए कितना अच्छे से, जैसे बच्चों को झूला झुलाते हैं ऐसे झूला झुलाना है और जैसे गले लगाते बच्चे को ऐसे गले लगाने की पूरी कोशिश करनी है, जितना आप ला पाए इस पैर को ऊपर। एक पैर से आप कुछ राउंड करें, उसके बाद दूसरे पैर से भी इसी तरह का अभ्यास, ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है, धीरे 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 धीरे, और इसके बाद इसे गले लगाना है, फिर से इसे गले लगाना है। थोड़ा थोड़ा पैर खुलने लगेंगे, एक बार पैर सीधे कर लीजिए, एक बार अर्ध पद्मासन ट्राई करते हैं। देखिए धीरे से पैर खुलता है तब अर्ध पद्मासन लगने लग जाता है। एक बार दूसरे पैर से भी अर्ध पद्मासन लगा लेते हैं, ये देखिए आराम से लगता है। अब क्या करना है, देखिए आराम से पैर सीधे कीजिए, एक दोनों पैर मोड़िए, एक पैर इस तरह से नीचे लेकर के आइए। यहां से अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो यहां से पकड़ के धीरे धीरे पैर को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे स्पाइन आपकी सीधी रहे, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, उसके बाद धीरे धीरे पैर को जितना खींच सकते हैं। अब जब आप खींचेंगे तो ये खिंचाव और ये खुलना जरूरी है, ये खुलेगा तो आप ज्यादा देर एक ही पोजीशन में रह पाएंगे, पैरों को बहुत आराम लगेगा साथ में।
हाँ खेचिएपन जा अंदर एड़ी बाहर, और इस स्थिति में थोड़ी देर होल्ड करने के बाद धीरे से नीचे ले आए और फिर दूसरी तरफ ख्यास कर, हाँ इस तरह से खेचते जाए, थोड़ा और खेचिए, खेचिएपन जा अंदर एड़ी बाहर, घुटने को सीधा करने की कोशिश कीजिए, पैर को जितना शरीर के नजदीक ला सकते हैं उतना नजदीक लाने की कोशिश करेंगे और धीरे से आराम से पैर को नीचे की तरफ। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम करने जा रहे हैं चौकड़ी का प्रयास, वो सबसे ज्यादा जरूरी है जिसका हमें प्रयास करना है, जिससे हमारा पद्मासन लगने की संभावना है लगभग लगभग 90% से ऊपर चल जाती है। तो चौकड़ी कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं, और इसका अभ्यास आपको लंबे समय तक करना है। तो देखिए इस तरह से पैर को फोल्ड करना है, एक पैर इस तरह से मोड़ना है, ठीक है, थोड़ा सा अंदर की जगह थोड़ा बाहर निकाल के रखना है। अब दूसरा पैर को करना क्या है, आपका दूसरा पैर मान लीजिए मेरा लेफ्ट लेग नीचे है, तो मेरा जो सीधा पैर है इसकी एड़ी को लेफ्ट पैर के घुटने के ऊपर रखना है, एड़ी घुटने के ठीक ऊपर रहेगी, बहुत ज्यादा पीछे नहीं रहेगी, ठीक ऊपर, साथ में सीधे पैर का जो घुटना है वो लेफ्ट पैर या बाएं पैर की एड़ी के ठीक ऊपर रहेगा। अगर एड़ी अंदर की तरफ आ रही है तो कोशिश कीजिएगा एड़ी घुटने के ठीक नीचे की तरफ। अब देखिए मेरी एड़ी घुटने के ठीक नीचे है और सीधे पैर की एड़ी घुटने के लेफ्ट पैर के ठीक ऊपर की तरफ है, हमें क्या करना है, यहां से दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं। अब देखो घुटना हो सकता है उठा हुआ रहे, किसी का इतना भी उठा हुआ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे 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 प्रयास करना है और आगे की तरफ जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकने की कोशिश करना है, फिर धीरे धीरे ऊपर आना है, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना है। आप जितने समय होल्ड कर पाए शुरुआत में उतना कर सके उतना ही करिएगा, आपने ये किया उसके बाद हमें किसी भी एक तरफ, जैसे मैं सीधे आपकी तरफ नीचे झुकने का प्रयास करना है, मुझे कोशिश करनी केवल कोशिश कि अपना फोरहेड हमारे जमीन पर छूने की कोशिश करवा, धीरे धीरे फिर ऊपर आना है, फिर दोनों हाथ दूसरी तरफ लेके जाने हैं। अब जैसे आप झुकेंगे तो घुटना उठने की जरूर कोशिश करेगा, तो करना क्या इसको धीरे धीरे सेल्फ प्रेशर से दबाने की कोशिश करनी है और आपको धीरे 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 झुकना है, और यह आपका चौकड़ी का अभ्यास हुआ। मैंने एक पैर से अभ्यास किया, इसी तरह से दोनों पैरों से इसका अभ्यास करना है चौकड़ी का। ये देखिए दूसरे पैर से भी अभ्यास कर लेते हैं, लेकिन पोजीशन बिल्कुल सही जगह आनी चाहिए चौकड़ी की, घुटने के ऊपर एडी और एडी के ऊपर घुटना और देन फॉरवर्ड में आगे की तरफ डाउन, फिर धीरे से ऊपर आना है, किसी भी एक तरफ झुकना है और जितना झुक सकते हैं आप, लेकिन घुटना उठेगा तो कोशिश कीजिए उसे दबा के रखने की सेल्फ प्रेशर से, और फिर दूसरी तरफ धीरे 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 धीरे। मैंने यहां पर एक ही बार प्रयास करके बताया, आप कम से कम 5 से 6 बार इसका प्रयास करें और इसके बाद अब हम लगाएंगे पद्मासन। तो करना क्या है, दोनों पैर सीधे हैं, मैंने अपना लेफ्ट पैर बेंड किया, इस तरह से पंजे को पकड़ा और लेफ्ट पैर की पिंडलियों को धीरे से बाहर की तरफ निकाला, धीरे से बाहर की तरफ निकाला और जहां थाई का जॉइंट होता है उस जगह ले जाकर के एडी को रख दिया। अब दूसरे पैर को बेंड करते हैं, इसके पंजे को पकड़ा, थोड़ा बाहर की तरफ निकाला और इसकी पिंडलियों को थोड़ा सा रोटेट करते हुए बाहर की तरफ निकाला और इसकी एडी को भी थाई के ऊपरी सिरे तक जहां तक पैर जाए वहां तक ले जाके हमें रखना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से हो जाता है, सिंपल है, ये है पद्मासन। अब आप अपने स्तर पर छोटा थोड़ा 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 प्रयास करते जाएं जिससे आपकी साधना में आप पद्मासन में बैठ पाए। तो इस तरह से हम पद्मासन का अभ्यास करेंगे, आप धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप करते रहें, जरूर कुछ ही दिनों के अभ्यास के अंदर आपका पद्मासन लगने लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।